अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और सुबह के दोपहर के बज गए एक, लेकिन हम जब से अम्मी के घर आए हैं ना, हम सुबह उठ रहे हैं 8 बजे 9 बजे, लेकिन व्लॉग अब शुरू किया और खाना भी अब बन रहा है। और खाने में आज क्या बन रहा है? 8 बजे आलू की टिक्की। आलू की टिक्कियाँ बन रही है, पराठे बन रहे हैं, पराठे भी और टिक्कियाँ भी। कि जिसने पराठे खाने वो पराठे खा ले, जिसने टिक्कियां खानी है वो टिक्कियां खा ले। तो मैं तो सोच रही हूँ आलू का पराठा खाऊंगी और अम्मी आलू का पराठा बना रही है। बाहर आलू का पराठा देख रहे हैं। अभी क्या बना रही हैं आप? ये ना अभी आके चावल तोड़ने हैं, आलू वाला पराठा बना रही है थोड़ी सी। और ये चावल बना रही हूँ, हांडी सालन पा गया आलू। ये मेरा पराठा बना रही हैं? कल तेरे बनाने हैं पीछे ना, मैं तो तेरे बना लूंगी। मैं मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, सबसे पहला पराठा मेरा ही बनेगा। चावल आगे से छोड़ने ही। अच्छा नहीं छोड़ने, नमक दे दो थोड़ा सा, नमक काम में पीने की। चावल छोड़ने मत, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। अरे मैं डब्बा ही ले आई हूं, अपने हिसाब से पा लो। और आहत को मैंने नहला दिया था, नहला धुला के वो गया हुआ ईशा को स्कूल से लेते। फेस मैंने वॉश कर लिया है, मुंह हाथ धो लिया, क्योंकि अम्मी मेरे लिए पराठा बना रही, तो मैंने कहा फटाफट मुंह हाथ धो के ब्रश कर लो। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऐड में कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। ठीक है चले जी, आवाज इतनी आजकल रख दी है। चावल यहाँ पे बन गए, ये मेरा पराठा। व्हाट यू हैव आहार? आज ईशा ने क्या लेके दिया? फ्राइज। वाह फ्राइज। इधर आओ, इधर दोनों इधर सलाम करो, इधर आओ। आहार अस्सलाम वालेकुम करो, हाय करो, हाय हाय करो। एले आहा ये लो, चिप्स है, क्रिस्पी है, हर ताई नहीं खा रहे। अलग आहा ये लो, है तो मजे की। आलू का पराठा खाऊं कि चिप्स खाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही। चिप्स चलो जी, मेरे लिए दो आलू का पराठा बन गया और पीठी जो बची थी उसकी अम्मी ने एक छोटी सी टिक्की भी बना दी। यहाँ पे जो है ना आयशा चिप्स लेके आई, यम्मी पराठा और माँ के हाथ का आलू का पराठा, तो फिर सभी मिस करते हैं। यम्मी हलिया, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी था। ये आहत चिप्स खा रहा है और आहत साथ साथ भी देख रहा है कार्टून अपने कटोरी। आहत व्हाट इज इट, व्हाट्स दैट बेबी? उतार दिए ना टैग आपने। अच्छा ब्लर पजामे के ऊपर टैग लिखा हुआ था, ला के वो छुटता है। बड़ी शदीद और तूफानी बारिश हो रही है और ये नानी और नवासा नहाने जा रहे हैं बारिश में। मम्मा जब तक आप लोगों ने जाना ना, आयशा मुझे भी जूती ला दो मेरी, अगर तुम्हारी पांव से फारिग हो जाए तो मुझे दे दो, ऐसे खिलौना मैं। चंगा सगो मुंजे लग जाए, कार च मुंजी लग जाए। मम्मा इसके ऊपर कुछ डाल दो, तो यही कह रही कुछ डाल दे, कोई शीट को कुछ। आहार लुक एट मी बेबी, से रेन रेन गो अवे, इट्स रेन।
Sit, sit on it. कह रहे तू आप बैठे, आप बैठे रहे. थैंक यू आहा, थैंक यू ईशा अम्मी, थैंक यू आहा. अब तेज हुई है बारिश. आ जूती देखो, ये मेरी पहन ले, ये मेरी पहन ले मेरी. ईशा मम्मा ये नहीं फिसलती, ये मेरी वाली भी नहीं फिसलती. ये लो ये पहनो, ये मम्मी को दो जूता. ये वाला नहीं फिसलता, इससे ये फिसलने वाली जूती नहीं है. नहीं ये वाली नहीं, ये अम्मी को दो, अम्मी ने पहननी है ये वाली. वाली इधर सुट दो. बारिश हो रही है और आहद और अम्मी जो है वो बारिश में क्या ये बॉल देते हैं अभी. आहद आहद ये लो बॉल, ये लो बॉल. थैंक यू मम्मी. ओ बाहर ना चली जाए. अच्छा मैं कहा बाहर नीचे ना खुला ना हो. मुझे लग रहा है वाकई उसमें गंदम गीली ना हो जाए. ओ लो वो एक पेशाब निकल गया था. नहीं नीचे मट्टी लगी है पाँव में. ओ पानी जानी और उसके मट्टी लग गई, कह रहे मट्टी साफ करो. वो ईशा से धोके आओ. वॉश हाँ रेन करो. रेन रेन चलो रेन चलो. वाह स्विमिंग कर लो. स्विमिंग लाइट गई हुई. इधर से पकड़ो इधर से ऐसे. एक जाती तेरी लत्ता आज पीड़ लाएगा. दो बार बस बस उतर जाओ उतर जाओ उतर जाओ. ओके जी, परसों बारिश हुई और बारिश के बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है गर्मी भी हो गई और लाइट भी चली गई. और लाइट ऐसे गई कि इनकी जो वायर थी अम्मी के घर की वो खराब हो गई, इवन के उड़ गई. और 12-13 घंटे लाइट नहीं आई, फोन चार्ज नहीं था, इसलिए ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए. तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं. लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इन द बिलो सेक्शन. एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को. एंड सेकेंड थिंग, शायद कल हम वापस घर चले जाएं, तो कल से अपनी रूटीन के जो घर के व्लॉग्स हैं वो ऐड करेंगे. ठीक है, तो अल्लाह हाफिज. इधर मैं सिर्फ इधर 3-4 दिन ही रहती हूँ, तो बस अब 4 दिन तो ऑलमोस्ट हो गए. तो ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय. मुझे मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा. अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. सो अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ.